हे, माय नेम इज़ हबीब खान एंड यू वाचिंग इट्स के फोटोग्राफी। सो आज के फोटो में हम लोग कुछ उस तरीके की एडिटिंग करने वाले हैं सिंपली पिक्स आर्ट के अंदर। तो पिक्स आर्ट के अंदर आ गए हैं एंड बैकग्राउंड ऐड कर लिया है। यहाँ पर से सिंपली ऐड फोटो कर लेना है हम लोगों को मॉडल की। बहुत ही बढ़िया गाइस, मॉडल के हम लोग यहाँ पर से ऐड फोटो कर लेंगे एंड इसको पूरा फिलअप कर लेना है। बहुत ही बढ़िया ऐड है। ये जो ऊपर का बैकग्राउंड है इसको हमें रिमूव करना है, यानी कि इरेज करना है। तो सिंपली आप लोगों को इरेज वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर चले जाएंगे इरेज वाले ऑप्शन पे एंड वहाँ पर से हम लोग ईजिली बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया, मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा एंड मैं फटाफट से बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ। सो गाइस, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। बहुत ही बढ़िया इजी स्टेप है गाइस एंड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, हमने बैकग्राउंड अपना रिमूव कर लिया काफ़ी अच्छे तरीके से एंड सिंपली यहां पर से कर देना है हम लोगों को डन। बहुत ही बढ़िया एंड यहां पे अब कलर ग्रेड करने वाले हैं। सिंपली यार टूल्स वाले ऑप्शन पे जाके एडजस्ट हमें कर लेना है एंड यहां पर से मैं ब्राइटनेस थोड़ा सा हाई कर लेता हूं, अराउंड मैं 15 के अराउंड रख देता हूं एंड कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा हाई करेंगे। बहुत ही बढ़िया गाइस, ये सारे टूल्सों को अपने फोटो के हिसाब से यूज़ कर लेना है हम लोगों को एंड सिचुएशन थोड़ा सा मैं माइनस का राउंड रखने वाला हूँ ताकि फेस हमारा वाइट हो जाए। टेम्परेचर को भी मैं थोड़ा सा माइनस रखूँगा एंड ये शेडो को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो मैं -5 के राउंड रख देता हूँ। बहुत ही बढ़िया गाइस, सारी चीज़ों को आपको सेट कर लेना है एंड इरेज वाले ऑप्शन पर जाके इन्वर्ट कर देना है एंड ब्रश की सेटिंग आप लोग को किस तरीके से रख लेनी है एंड अपने फेस पे सिंपली आपको ब्रश करना है, स्टार्ट कर देना है। तो हमारा फेस काफ़ी अच्छा ब्राइट देखने को मिल जाएगा आप लोगों को कुछ इस तरीके से एंड आप भी अपना सेम प्रोसेस अपनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपका फ़ोटो ब्राइट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया गाइस, हम लोगों ने अपने फ़ोटो में काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस एंड काफ़ी अच्छा कलर देख पा लिया है। बहुत ही बढ़िया गाइस एंड सिंपली मैं बियर्ड में भी थोड़ा सा कर देता हूँ एंड यहाँ पर से आप लोगों को कर लेना है डन एंड फोटो हमारी काफ़ी क्रिएटिव लग रही है पिक्स आर्ट के अंदर। सिंपली इसको हम लोग चलते हैं यहाँ पे सेव करके आ गया है पिक्सर टूल पे, तो इसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे डाल दी है एंड यहाँ पर से आप लोगों को देख लेना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है एंड यहाँ पर से इफेक्ट हमें लो कर देना है कुछ इस तरीके से एंड डन कर देंगे। बहुत ही बढ़िया एंड अब यहाँ पर से आप लोगों को ये वाले इफेक्ट पे आ जाना है एंड यहाँ पर से स्मूथ वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को गाइस थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद इरेज वाले ऑप्शन पे आ जाना है एंड जो एक्स्ट्रा पार्ट है अपने बियर्ड से हटा के उसको अपने फेस से रिमूव कर देना है। बहुत ही बढ़िया, कुछ इस तरीके से इरेज कर देना है एंड जो हमारे हेयर हैं एंड बियर्ड काफ़ी ऑयली लग रहे हैं, यानी कि काफ़ी क्रिएटिव लग रहे हैं। सो गाइज, तो अगर आप लोग इस पिक्चर को इंस्टाग्राम में डालोगे ना धमाल मच जाएगा। बहुत ही बढ़िया गाइज एंड इसको सिंपली हम लोग कर लेंगे सेव यहाँ पर से। बहुत ही बढ़िया एंड आप लोग देख सकते हैं, मैंने जूम करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। सो काफ़ी क्रिएटिव हमारे हेयर हो गए हैं एंड सिंपली इसको कर लेंगे सेव। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड और भी सारी वीडियो तो ज़रूर से चेकआउट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए।